नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान विंडोज। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि कई लोग सोचते हैं, लेकिन कई बार नॉलेज ना होने के कारण वो स्टार्ट अपना जो है शॉप या आप कह लीजिए जो IT से रिलेटेड वो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास अधूरा ज्ञान होता है या बिल्कुल ही नहीं होता। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो कि स्टार्ट अपने IT शॉप को आगे बनाना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि आप अपनी IT की शॉप या जो भी आप लैपटॉप रिपेयरिंग या कार्टे रिफिलिंग जो भी आप शॉप खोलना चाहते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको पहले ये देखना है कि जो आपका एरिया है, जो भी आसपास के एरिया में आपका जो आप काम खोल रहे हैं IT से रिलेटेड, वहाँ पर कौन सा काम चल रहा है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर स्कूल कॉलेज या ऐसी कोई जगह या जो है स्टूडेंट से रिलेटेड कोई शॉप या स्कूल या जिसमें ज़्यादा काम होता हो, जैसे कि फोटोकॉपी का हो, प्रिंटआउट का हो, या फिर जो है PC से रिलेटेड या लैपटॉप से रिलेटेड हो, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए अगर आप ऐसी जो शॉप खोलना चाहते हैं IT से रिलेटेड। और साथ ही साथ दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि वहाँ के अकॉर्डिंग आपकी शॉप की जो वैल्यू है वो उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वैल्यू से इन द रिलेटेड जो वहाँ का काम है कि वहाँ पर लोगों को क्या क्या चाहिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को क्या रिक्वायरमेंट होती है, और जो वो बाहर जाके ढूंढ रहे हैं वो आपके दुकान में रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो उसे आप कैसे कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्हीं जो है 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात दोस्तों कि आप अपनी शॉप की जो है प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, वो फ्री में। इस वीडियो में आपको इसी सब बातों की ओर ध्यान देना चाहता हूँ कि कई लोग क्या होता है, परेशान होते हैं कि हाँ यार मेरा इतना पैसा लग जाएगा, मेरे वहाँ पे इतना पैसा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में उस सभी खर्चों से बचाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो जस्ट डायल पे आपको एक फ्री का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसमें आपकी जो भी शॉप में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस सब की डिटेल्स प्रॉपर डालनी पड़ेगी। अपने जो शॉप का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा देख के याद रख पाए, यानी कि उसको याद रह जाए कि हाँ इस नाम की भी कोई शॉप है। और साथ ही साथ आपके पास एक ना एक काम ऐसा होना चाहिए जिसका वैल्यू और उसे कम होना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब भी एक काम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपटीशन हर जगह है, हर कोई ये चाहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें पैसे कम लगे। लेकिन अभी आप क्या हो, अभी आप इस फील्ड में नए हो, अभी आपको अपनी जो है धाक जमानी है, यानी कि अभी अपना आपका आपके जो काम है उसको आगे बढ़ाना है और हर लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक ऐसी चीज़ें जो भी आपके आपको सूट हो जाए या आपके जो पैसे से रिलेटेड जो मैनेज हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा भी नुकसान हो ना हो और कस्टमर तक वो सर्विस पहुँच भी जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप कुछ भी कह लीजिए, रिफ़िल कह लीजिए या फिर कह लीजिए जो फॉर्मेटिंग होती है, या फिर कह लीजिए बहुत सारी चीज़ें जो कि आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है, अगर वो ये कहता है कि भैया आपके पास है और आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, आपने सुना होगा वो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ए लास्ट एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर आपसे जो कॉमन चीज़ है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और लैंड से रिलेटेड जो चीज़ें होगी वो होनी चाहिए आपके पास, और जो डेटा केबल और जो छोटे छोटे आप आइटम रख सकते हैं अपने पास उसको ज़रूर रखिए। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो कह रहा था मैं प्रमोशन के लिए। एक आपकी बात होगी जस्ट डायल पे आपने अपना जो डिटेल्स फिल कर ली। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोग जो है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वहाँ पे जो उनको ईजी अवेलेबल हो जाए और साथ साथ जो कम जो है मनी में अवेलेबल हो जाए, कम मूल्य में अवेलेबल हो जाए, तो वो साइट पे जाते हैं ऑनलाइन और चेक करते हैं। अगर आपका नाम वहाँ पे अवेलेबल है और वो भी रीजनेबल प्राइस पे आप वो सर्विस दे रहे हो, तो वो आपको कॉल एक बार जरूर करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है जो आपकी सर्विस है वो बेस्ट होनी चाहिए और आप उस काम के लिए जो है परिपूर्ण होने चाहिए और परफेक्ट होने चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, दूसरा आइडिया क्या है, आपको पहले विजिटिंग कार्ड छपवा के उसको क्या करना है कि हर जहाँ पे भी काम इससे आपके काम से रिलेटेड होता हो, यानी फोटोकॉपी हो गया, रिफिलिंग हो गया, और PC या लैपटॉप से रिलेटेड जो भी काम हो गया, अगर आपके रिलेटेड कहीं भी काम होता है आपको विजिटिंग कार्ड जो है बांटने हैं। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि वो 2000 या 3000 के कार्ड छपा के दूसरे पर्सन को देते हैं और वो क्या करते हैं उन कार्ड को फेंक के उनसे पैसे भी ले लेते हैं और वो उसका सही इस्तेमाल उनको सही जो है बांट भी नहीं पाते हैं ना बांटते हैं और उसका जो है मिसयूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जितने खुद से कार्ड बांट पाएँ और सही पर्सन को बांट पाएँ, वो इससे आपको क्या होगा, एक तो सही पर्सन तक आपकी जो है
शॉकिंग इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, साथ ही साथ आपको उसके जब आप कार्ड बांट रहे होंगे या अपने प्रमोशन करते हैं तो इस बीच में आपको एक दो कस्टमर मिल ही जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरी बात पे, आपको अपनी दुकान का जो है शॉप ऐसी होनी चाहिए कि जब भी बंदा कस्टमर आए तो आपकी छोटे से जो जो बंदे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो आइटम जो है सब जो उसके सामने होनी चाहिए, कि जो सामने अगर जब भी कस्टमर आपके शॉप पे आता है तो सामने दिख जानी चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे या इस पर्सन के पास ये जो चीज़ें अवेलेबल है, और अगर हम अगली बार आते हैं तो ये चीज़ें इनके पास हमेशा रहती हैं। दोस्तों दूसरी बात मैं कहूँ, अगर आपको शॉप में जैसे कि आप कई बार आते हैं कस्टमर आते हैं जो सेकेंड लैपटॉप्स, तो मैं आपको ये कहूँगा सेकेंड हैंड लैपटॉप्स अभी ना रखें। अगर रखना चाहते तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि कई बार ऐसी चीज़ें आती है कि आजकल कस्टमर भी ये चाहता है कि उसको काम परफेक्ट मिले और लैपटॉप सही होना चाहिए, लेकिन उसमें कई बार दिक्कतें ये भी आती हैं कि जैसे हीटिंग की प्रॉब्लम, अगर आप परचेज़ कर भी लेते हैं या आप क्या पुराने लैपटॉप को रिपेयर करवा के बेचना चालू करते हैं, उसमें क्या होती है आपकी फर्स्ट जो आपकी इंप्रेशन है वो ख़राब होने लग जाती है कि भाई मैंने आपसे लैपटॉप लिया था और ये देखो ऐसे ऐसे चल रहा है। जबकि कई बार क्या होता है जो क्लाइंट की तरफ से ही दिक्कत होती है लेकिन वो उस चीज़ को उस वक्त मैनेज नहीं कर पाते, तो उससे क्या है जो उनकी दुकान की रेपुटेशन ख़राब होने लग जाती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि शुरुआत में जो है लैपटॉप्स की डीलिंग ना रखें। अगर आप रखते भी हैं तो उनको ये उनको सिर्फ सजेशन दें कि सर आपको अगर आप लैपटॉप लेने हैं तो आपको इस वैल्यू में मिलेगा, और प्लस अगर वो आपको वारंटी देनी है तो उसके जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि आपको अफेक्ट ना करे, ताकि आपकी जेब खर्चा पे ज़्यादा दिक्कत ना आए। साथ ही साथ दोस्तों अब रही एक जो मैं खुफिया बात बताने वाला हूँ दोस्तों कि अभी तक जो मैंने नहीं बताई, मैंने क्या किया था, जब भी मैं अपनी दुकान की अपने खाली टाइम में बैठता था तो मैं क्या करता था, साइट पे ऑनलाइन चेक करके और जो है जो भी मेरे कॉलेजेस हैं, जो भी मेरे पापा आसपास कॉलेजेस थे और स्कूल्स थे या फिर कह लीजिए मेरी शॉप्स जो थी, जो ऑफिसेस थे, मैं उन पे कॉल किया करता था ऑनलाइन चेक करके। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन कॉल किया करता था चेक करके। उससे मुझे क्या होता था कि ऐसे अगर सपोज़ कीजिए मैंने दिन में 30 कॉल की, तो उसमें आपको महीने में 10 से 12 कस्टमर अवश्य मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि उनको क्या लगता है कि हाँ हमारे को किसी बंदे ने फ़ोन किया है, और वो खुद चाहते हैं कि जो मेरे पास पर्सन आए और मेरा काम इजीली करके और पैसे कम ले। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, पैसे इतने भी कम मत कर दीजिए कि आपको घाटा हो जाए, इस चीज़ को जरूर सोच के चलिए। दूसरे और उसके बाद बात जो आती है दोस्तों, एक मेन बात जो है, अगर आपको और थोड़ा सा आपको और ग्रो करना चाहते हैं अपनी शॉप में, तो आपको जो है बैनर आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आपका क्राउड हो, जहाँ पे आपकी से आपके फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म जो है पब्लिक अवेलेबल हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप ऐसे भी कर सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ऑनलाइन आप जो है जैसे कि एंटीवायरस हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन अवेलेबल करा सकते हैं, और वो भी आपके क्या होगा दोस्तों, एक तो आपका जो पेट्रोल का खर्चा बचेगा, अगर सपोज़ कीजिए किसी बंदे को एंटीवायरस इंस्टॉल कराना है तो आप क्या कीजिए अपने पास एंटीवायरस का जो भी आपसे आप परचेज़ किए हैं उसको रख लीजिए और ऑनलाइन कोशिश करिए उसे डालने की। इससे क्या होगा आपका जो तेल का खर्चा बच जाएगा, साथ ही साथ आपके कस्टमर को वो चीज़ अवेलेबल ईजिली हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ में क्या होना चाहिए कि आपको वो जो कोई भी एंटीवायरस है आपको ईजिली अवेलेबल हो, और साथ ही साथ जो आपकी एंटीवायरस की डीलिंग होनी चाहिए वो आपके मुनाफे के अकॉर्डिंग चले, मतलब अगर आप उस प्राइस में दे भी रहे हैं तो आपको कुछ पैसा बच जाए। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक तो आपकी ऑनलाइन कस्टमर से डीलिंग चल रही है, और वो जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेमेंट फर्स्ट करवानी है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उससे डीलिंग जब हो जाने लगती है तो उस बंदे को भाई आइडिया लगने लगता है हाँ भाई इस बंदे को नॉलेज है, अगर अगली बार हम काम करेंगे तो इसी से जो है करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं दोस्तों जो है, एक मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता दूं दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि हम जॉब के साथ अपनी, कई लोग सोचते हैं कि हम अपनी जॉब के साथ काम कर लेते हैं और हम सुबह शाम ये चीज़ कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों अभी आप बिल्कुल ना करें, अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जॉब पर ध्यान दें और अपने एक्सपीरियंस को जो भी आप कर रहे हैं इस IT फील्ड में उससे और बढ़ाइए, ताकि जो है आपका जो है जब आप अपनी शॉप खोलें तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम फॉर्मेटिंग या नॉर्मल करते हैं तो हमें कई चीज़ें पता नहीं चलती, और जब हम कस्टमर के सामने होते हैं तो हमारे जो है थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर और हमारे बीच में मतलब जो समझने मतलब जो समझता है कि भाई इस बंदे को तो काम नहीं आता इसको क्यों दें, अगली बार से हम किसी और को बुला लेंगे, तो इससे क्या जो हमका इंप्रेशन ये बहुत नेगेटिव पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा
अगर आप इन चीज़ों में जो है अपनी दुकान का जो भी आपका दुकान का लोगो है ऐसा बनाइए ताकि अगर आप किसी दुकान का लोगो, कई बार क्या होता है लोग इजीली समझते हैं कि कोई भी लोगो छाप लिया, नहीं दोस्तों आपको कोई भी लोगो नहीं छापना, एक अपनी दुकान की एक ब्रांड बनानी है ताकि जब भी बंदा नेक्स्ट टाइम आपका लोग डील करें तो लोगों से क्या होता है दोस्तों आपके जो शॉप की आपके जो आपकी छवि है उस बंदे के दिमाग में आती है, जिसकी वजह से वो आपको याद रख पाता है और आपकी जो शॉप की जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों ये जो बातें थी आपके सामने मैंने रखी हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी महसूस करी है और सीखी भी है, और काफ़ी चीज़ें जो है गलतियाँ मैंने करी भी थी जिसकी वजह से मैं आपको इन चीज़ों से बारे में बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें अगर आप अपने फ्यूचर में इस तरह की दुकानें या जो भी शॉप या फिर कह लीजिए कोई भी आप काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियोस रोज़ चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।